नमस्कार साथियों, मैं बलवीर कसाना जीआईएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हर वर्ष की भांति इस बार भी जीआईएस कठुमर ने नव कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स। इंग्लिश मीडियम की टॉपर पूजा यादव 97.60% के साथ इन्होंने टॉप किया है, और हमारे साथ हैं सचिन निठारवाल, इन्होंने भी सेम उसी परसेंटेज के साथ 97.60 के साथ हिंदी मीडियम को टॉप किया है। हमारे साथ हैं ग्रुप डायरेक्टर सर मनोज चौधरी जी। साथियों, जीआईएस कठुमर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का जो अवसर प्रदान करता है वह संपूर्ण भारतवर्ष में अद्वितीय है। आज हम बात करेंगे पूजा यादव से कि किस प्रकार इंस्टीट्यूट ने उनको सहयोग किया। पूजा यादव, पूरे साल भर मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने, मेरे पेरेंट्स ने, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। इसमें मेरी मेहनत बस इतनी है कि मेरे टीचर्स ने जो मेहनत की है मैंने उसको बस आपके सामने रखा है। मेरी मेहनत सिर्फ इतनी ही। प्रतिभा की धनी ये बेटी शुरुआत से जीआईएस की छात्रा रही है। जब से जीआईएस के इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओपनिंग हुई तब से यह बच्ची कोई ऐसी बेटी नहीं है जिसको किसी अन्य विद्यालय से लाकर यहां पर साइंस स्ट्रीम में लाया गया हो। ये बेटी शुरू से, इसकी जो भी एजुकेशन हुई है वो जीआईएस परिवार में हुई, और जीआईएस के शिक्षकों के मार्गदर्शन में बिटिया ने आज सफलता का एक नव कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके बाद हम बात करेंगे सचिन निठारवाल से, यह भी वो छात्र है जो शुरू से ही जीआईएस का विद्यार्थी रहा है। सचिन निठारवाल जो कि हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, सचिन आप किस प्रकार से देखते हैं कि जीआईएस ने आपकी प्रतिभा को निखारने में किस प्रकार से योगदान दिया? सचिन, सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स के लिए मेरी सफलता में अमूल्य योगदान के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे समय समय पर मोटिवेट किया, और जब भी मेरे एग्जाम में कम नंबर आए तो उन्होंने मुझे डाउन नहीं होने दिया, और उन्होंने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। और काफ़ी टीचर्स ने समय समय पर मेंटरशिप देकर भी हम पर मेंटल प्रेशर नहीं बनने दिया, और हमारे क्लास टीचर्स ने भी क्लास में हमें मोटिवेट किया, और उनके पढ़ाने के तरीके ने हमारी पूरी क्लास को बहुत प्रभावित किया। उसके साथ साथ उनके नोट्स से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आया, और उनके नोट्स को पढ़ करके हम बहुत अच्छे नंबर लाए। साथियों, जैसा कि सचिन ने कहा कि शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन में DTS जो कि एक डेली टेस्ट स्कीम थी, उसके अलावा जो इंटरनेशनल करिकुलम GIS फॉलो करता है जिसमें ना सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस की ओर जोर दिया जाता है अपितु विद्यार्थियों के मेंटल स्टेटस को, मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए जो मोटिवेशन का माहौल है जो मनोज सर ने यहां तैयार किया है। तो मैं मनोज सर से पूछना चाहूंगा कि सर, आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में एक बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोवाइड किया है, तो उसमें आपकी क्या कार्य योजनाएं रही, आपको कहां से यह सीख मिली? सर, मनोज सर, जैसा कि आप कई सालों से देख रहे हो, जीआईएस केवल एक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय नहीं रह गया है। जीआईएस ने अपना नाम राजस्थान लेवल पर करके साबित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय केवल यही नहीं कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और निकल गया, ऐसा नहीं। हमारा लक्ष्य यही रहता है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वो अपने जीवन में सफलता हासिल करें। मेरा तो शुरू से, जैसे हम बाहर पढ़े हैं, हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमेशा पिछड़ जाते थे। जब से मैंने स्कूल, लगभग 10 से 12 साल हो गए मैंने यहाँ स्कूल खोला, तो मेरा शुरू से एक ही लक्ष्य था और एक ही सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किस तरह से आगे लेकर हम जाएं। और जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा समय जरूर लगा हमको, 10-12 साल स्कूल को हुए हैं उस तरह की टीम जुटाने में। और आज मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ, GIS एक राजस्थान की लेवल की टीम कठुमर जैसे कस्बे में लेकर बैठा हुआ है। हर से हर संभव प्रयास GIS का ये रहता है बच्चों को बेस्ट से बेस्ट सुविधा हम उपलब्ध कराएं। पढ़ाई के साथ साथ सारी एक्टिविटीज का ध्यान रखें,
और हमारा जो बच्चों को जो पढ़ाने का वो रहता है ना, जो टेस्ट और जो सीरीज हमारी वो चलती चलती है, साथ में बच्चों को मोटिवेट करना और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना। ये कहीं कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स को, जो देखो ग्रामीण क्षेत्र है तो पेरेंट्स को पढ़ाई की अहमियतता 90% पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनको नहीं पता होता, क्यों वो केवल बच्चे पर निर्भर रहते हैं, बच्चा अच्छा है पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं है। लेकिन हम बच्चों के साथ तो जुड़े ही रहते हैं, साथ में पेरेंट्स के साथ भी जुड़े रहते हैं कि बच्चा स्कूल के बाद घर अगर अच्छी मेहनत कर पाएगा तो सफलता उसको तभी मिल पाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे साथ दोनों टॉपर्स, हिंदी मीडियम टॉपर्स और इंग्लिश मीडियम टॉपर्स बैठे हुए हैं, जिनकी 97.60 दोनों बच्चों की परसेंट है। परसेंटेज केवल यही आके नहीं रुकी, आप जैसा कि देख सकते हो पूरे पोस्टर में आप देख सकते हो 97 से ऊपर 4 बच्चे स्कूल ने दिए हैं, यानी कि कठुमर में 4 बच्चे 97% से ऊपर देना एक बहुत बड़ी बात होती है। पिछले साल भी आप देख सकते हो 98.80% बनाकर राजस्थान टॉप कठुमर में किया गया जीआईएस के द्वारा। उससे पिछले साल भी राजस्थान में थर्ड रैंक प्रियांशी चौधरी ने 97.40% बनाई। उससे पहले भी जब मेरिटें भी आती थी जीआईएस शुरू से ही मेरिट देता आया है, ये नहीं है, जीआईएस ने पहले दिन से आकर ये दिखा दिया कि हम कुछ अलग करने के लिए आए हैं। अभी हम एक नया लोगो और नई लाइन भी लेकर आए हैं, ज्वाइन अस एंड फील द डिफरेंट। मैं आपसे वादा करता हूं आप जीआईएस के साथ जुड़िए, आप खुद एक अलग महसूस करोगे कि हम वास्तव में एक स्कूल में पढ़ने आए हैं या हमारे बच्चों को हमने किसी एक अच्छे स्कूल में किया है। तो मैं अब दोनों बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं बारी दर बारी दोनों से पूछना चाहूंगा, आप सचिन जैसे ही 11th क्लास में आए थे तो आपको क्या महसूस हुआ था, आप कहां तक पहुंच सकते थे? सचिन की मैं आपको बता दूं 10th क्लास में 95% थी इसकी, इसने इसको अप करके 97.60 किया है। तो सचिन आप थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। सर हम देखिए 10th में परसेंटेज तो बना लेते हैं लेकिन उसे 12वीं तक उसमें निरंतरता बनाना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए जीआईएस ने मेरा बहुत साथ दिया और जीआईएस के कैंपस का जो माहौल था उसने हमें बहुत बहुत अच्छा माहौल बना के दिया, और टीचर्स ने हमें जो भी करने को कहा हमने वो साथ साथ किया, और टीचर्स हमें बोलते थे कि ये तुम आज का काम तुम्हें आज ही करना है, तो हमने टीचर्स की उस बात को माना। लेकिन कभी कभी हम कोई काम को करने में रह जाते थे तो टीचर्स हमें डांटते भी थे और साथ में उस काम को अगले दिन करने के लिए बोलते थे, और हमारे मनोज सर ने भी हमें जब भी हमारे टेस्ट रिजल्ट अनाउंस होते थे तो उन टेस्ट रिजल्ट के बाद हमें मोटिवेट किया था और कुछ अच्छा करने के लिए कहते थे, और इसी के लिए मैं मनोज सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप बच्चे ने कहा कि देखो हमारा जो लक्ष्य रहता है ना बच्चों को शुरू से ही, यानी कि जब बच्चा 11th में जैसे 10th पास करके आ जाता है, अलग अलग स्टेज होती है, 10th के बाद बच्चा साइंस में आता है, आर्ट्स में आता है, अलग स्टेज होती है, तो बच्चों को शुरू से मेहनत कर रहा है, एक दिन की मेहनत से सफलता नहीं मिलती, अगर बच्चा कंटिन्यू मेहनत करता रहेगा उसको सफलता तभी मिलेगी। पूजा के बारे में मैं आपको बता दूं, पूजा की 94% यही जीआईएस से ही थी 10th क्लास में, अब इसने 97.60% बनाई है। तो पूजा इसके बारे में आप भी थोड़ा सा बताओ। इसके लिए मेरे टीचर्स का, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, मायने ये रखता है कि आप पढ़ने में कितनी कंटिन्यूटी रखते हो। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। साथियों जैसा कि पूजा ने कहा कि कंटिन्यूटी, लगातार सतत प्रयास के बाद ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, यह एक दिन का खेल नहीं है, लगातार पूरी वर्ष भर मेहनत के पश्चात ही आप सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। जैसा कि मनोज सर ने भी कहा कि जीआईएस अब ना सिर्फ एक ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए ग्रामीण स्तर का विद्यालय नहीं है, आज राजस्थान भर में जीआईएस सूर्य की तरह चमक रहा है, और जीआईएस बहुत जल्द ही इस वर्ष से
फाउंडेशन की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहा है। यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यालय पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आपके नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं, तो आ जाइए, जुड़ जाइए जीआईएस के साथ। जीआईएस कठुमर संपूर्ण राजस्थान में एकमात्र ऐसा विद्यालय जिसकी परंपरा टॉपर देना रहा है, चाहे वो मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हो या प्रतिशत के आधार पर रहा हो, पिछली वर्ष राजस्थान टॉपर देकर, उससे पहले राजस्थान में तीसरा स्थान देकर, और अब की बार भी बहुत ऊंचे स्तर पर विद्यार्थियों की प्रतिशत में जो इजाफा हुआ है, आप ध्यान देंगे कि बच्चों की जो प्रतिशत 10th स्टैंडर्ड में थी उसमें अत्यधिक वृद्धि करने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है जीआईएस कठुमर। जीआईएस कठुमर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक बहुत ही उच्च स्तर का एकेडमिक एनवायरमेंट आपको देता है। फिर मैं मनोज सर से कहूंगा कि सर जीआईएस के बारे में जो अब हमारी नई योजनाएं हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखो, आपको मैं ये चीज तो बता ही चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जीआईएस इस बार 6 to 9th और 11th क्लास की फाउंडेशन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखो, हमारे मन में विचार कई साल से आ रहा था और हम इस चीज़ की कमी भी महसूस कर रहे थे, लेकिन जब तक हमने हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं बन जाए और हम इस तरह की टीम इकट्ठा ना कर लें, तब तक हमने ये करना उचित नहीं समझा। आज हम इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि कठुमर क्षेत्र से आपको अगले 2 साल में डॉक्टर और इंजीनियर कठुमर क्षेत्र जीआईएस से ही हम यहाँ से निकाल के दिखाएंगे। देखो, सफलता केवल एक दिन की मेहनत से नहीं बनती, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन इस क्षेत्र में आप देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं, तो वो क्या होता है कि परसेंटेज तो बच्चे बना लेते हैं लेकिन आगे सोचने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, बच्चों को भेजें, क्या भेजें, कैसे भेजें। फिर बात आती है फाइनेंशियल कंडीशन की, पैसा तो देखो फीस होती है, एक इंस्टीट्यूट की फीस होती है, वो तो चलो फिर भी पेरेंट्स कोशिश करता है हम भर दें, लेकिन उसके साथ साथ बाहर अगर पेरेंट्स बच्चे को भेजता है तो बहुत सारे वैसे खर्चे भी होते हैं जो पेरेंट्स बहन नहीं कर पाता है। इसलिए जो बच्चे काबिल तो होते हैं लेकिन इसी कमी के कारण वो यहीं रह जाते हैं और वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। लगभग आप देखते हो अपने क्षेत्र में अभी भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो बन रहे हैं लेकिन उनकी मात्रा कितनी है, बहुत कम। जो लोग सक्षम होते हैं वो तो बाहर भेज देते हैं अपने बच्चों के लिए को, लेकिन जो पेरेंट्स फाइनेंशियल कंडीशन की मजबूत नहीं है वो केवल यही सोच करके कि कोई बात नहीं छोटा मोटा कोर्स करा देते हैं, सरकारी नौकरी लग जाएगी, बाबू बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, वो वहां तक सोच ही नहीं पाते। हमारा सिर्फ इसीलिए हमने ये सोच करके ये स्टार्ट किया है कि इस क्षेत्र के जो रूरल एरिया है उन बच्चों को हम आगे लेकर के आए, नाम मात्र की फीस में हम उनको यही सुविधा उपलब्ध कराएं। साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं कि पेरेंट्स को देखो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनके लिए सबको इस चीज की टेंशन होती है वो बच्चा कैसे रहेगा वहां, हर पेरेंट्स उनके साथ जाकर के वहां नहीं रह पाता या हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो अकेला जाकर बाहर पढ़ ले। लेकिन अगर उनके क्षेत्र में इस तरह की सुविधा अगर होगी तो वो अपने बच्चों को अपने साथ रखकर अपने ध्यान से अपनी नजरों में अपने नजदीकी जगह पर पढ़ा सके। इसीलिए जीआईएस कठुमर एक नई ये नया पहल करने जा रहा है और मैं तो आशा करता हूं कि इसके साथ साथ आगे अगर आप लोगों का इस तरह का पूरा सहयोग हमें मिलता रहा है, मैं आपसे वादा करता हूं कि कठुमर क्षेत्र से क्या आसपास के और क्षेत्रों से बच्चे कठुमर आने तो लग गए और भी आने लग जाएंगे। आपका सहयोग इसी तरीके से हमारे बनता रहे, हम पे विश्वास बना रहे, इसके लिए पूरे क्षेत्र को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इन बच्चों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे के लिए मैं कसाना जी को बोलना चाहूंगा, वो कुछ और थोड़ा सा जीआईएस के बारे में बताएं। साथियों, जीआईएस आज राजस्थान में एक चमकते सूरज की तरह सबको प्रदीपित कर रहा है। आज अगर आप राजस्थान में कहीं किसी भी कोने में रह रहे हो और यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोटा और सीकर के खर्चे को अगर आप वहन नहीं कर पा रहे हो और चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर
भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में रहकर बने, तो आप आइए जीआईएस में अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। यहाँ मोटिवेटेड और वेल ट्रेंड टीचर्स की जो एक टीम है वो राजस्थान में सबसे अच्छी है। बहुत जल्द ही आपको यहाँ से सिलेक्शन देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपितु डिफेंस के सेक्टर में भी बहुत सारे सिलेक्शंस आपको जीआईएस की टीम देने वाली है। साथियों आइए जुड़ जाइए, और जीआईएस की जो टैगलाइंस हैं, जो सर ने कहा ज्वाइन अस एंड फील द डिफरेंस, उसको आप भी महसूस करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।